दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर मैं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे अंग्रेजी में वन वर्ड कहते हैं, अर्थात एक वाक्य के लिए या दो चार पांच शब्दों के लिए किसी एक ऐसे शब्द का चयन करना जिससे कि उस वाक्य या उन शब्दों का अर्थ और भाव पूर्णतः उस एक शब्द में निहित हो। तो एक शब्द क्या है, क्यों उसकी आवश्यकता है, साहित्य में कैसे वे प्रभावशाली होता है, और कुछ महत्वपूर्ण एक शब्द हम आपको बताएंगे, बाकायदे उदाहरणों सहित उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि कोई भी वीडियो जब बने तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक शब्दों यानी कि पदों के प्रयोग में संयम से काम ले, ताकि वह विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े से थोड़े शब्दों में व्यक्त कर सके। भाषा को प्रांजल बनाने के लिए, भाषा को प्रभावी बनाने के लिए और भाषा को सुगठित करने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की आवश्यकता का विकास हुआ, जन्म हुआ। इसलिए लेखक बहुत विस्तार से न लिख करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करके लिखता है ताकि वह प्रभावी हो सके, बात कह सके। समास, तद्धित और कृदंत वाक्यांश या एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किए जा सकते हैं। ऐसी हालात में मूल वाक्यांश या वाक्य के शब्दों के अनुसार ही एक शब्द का या पद का निर्माण होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वाक्यांश को संक्षेप में सामासिक पद का भी रूप दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं समास है, संधि है, ये सब भी एक तरह से वाक्यों को संक्षिप्त करने के लिए, वाक्यांश बनाने के लिए प्रयोग में होते हैं। जैसे कि समास और समास विग्रह, समास युक्त शब्द, संधि और संधि विच्छेद। तो जो संधि है, जो समास है, वो एक तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भी कार्य करते हैं, लेकिन वो पूर्णतः नहीं है लेकिन कुछ हद तक है। तो इसी तरह से ये व्याकरण के जितने भी टॉपिक बने हैं ये साहित्य को, भाषा को विशिष्ट बनाने के योगदान के लिए बने। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने में पूरे एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। भाषा में कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाते हैं, ये विशेषता है उसकी। उदाहरण से समझिए, जैसे कि राम कविता लिखता है, अनेक शब्दों के स्थान पर हम एक ही शब्द में कवि का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जगह राम कविता लिखता है, उसके लिए कवि है वो, इसलिए कविता लिखता है। दूसरा उदाहरण है, जिस स्त्री का पति मर चुका हो, शब्द समूह के स्थान पर विधवा शब्द अच्छा लगेगा। शब्द समूह की बात है यहाँ पर मूलतः, अर्थात विधवा शब्द में वो स्थिति, वो पूरा बयां हो गया जो ये पूरा वाक्य कहना चाह रहा है, जिस स्त्री का पति मर चुका। इसी प्रकार अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, आप समझे उन्हें। अनुचित बात के लिए आग्रह करना यानी कि दुराग्रह, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना यानी कि निर्यात, अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी, अच्छे चरित्र वाला सच्चरित्र, आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी,
अत्यंत सुंदर स्त्री रूपसी, आकाश में उड़ने वाला नभचर, आलोचना करने वाला आलोचक, आगे होने वाला भावी। तो देखिए इन शब्दों से आप समझ रहे होंगे किस तरह से पूरे वाक्य या अनेक शब्दों को एक रूप में, एक शब्द में ढाल करके उसका पूरा अर्थ द्योतक हो रहा है, पता लग रहा है इससे। तो ये विशेषता होनी चाहिए इन शब्दों के माध्यम से। आप धीरे धीरे इनको अध्ययन करें और महत्वपूर्ण बात यह है जितना अभ्यास करोगे उतना बेहतर तरीके से आप समझोगे। आंखों के सामने प्रत्यक्ष, आंखों से परे परोक्ष, अपने परिवार के साथ सहपरिवार, आशा से अतीत यानी कि अधिक आशातीत, आकाश या गगन चूमने वाला, आकाश चुंबी या गगन चुंबी, आलोचना के योग्य आलोच्य, आया हुआ आगत, अवश्य होने वाला अवश्यम भावी, अत्यधिक वृष्टि अतिवृष्टि, अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी या आत्मनिर्भर, अचानक हो जाने वाला आकस्मिक, आदि से अंत तक आद्योपांत। इनमें से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन कुछ शब्द आपको नए भी मिलेंगे। तो इस तरह से नए शब्दों का या पुराने शब्दों का आप अभ्यास करते रहेंगे धीरे धीरे, तो आप उन शब्दों की संरचना को, शब्द का अर्थ, उसका पूरा वाक्य और अनेक शब्दों को धीरे धीरे जान पाएंगे। आगे का विचार करने वाला अग्रसोची, आढ़त का व्यापार करने वाला आढ़तिया, आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि, अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत, अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य, अभिनय करने योग्य अभिनय, अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता, अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव अविवेक, अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना अंशदान, अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, आत्मा व परमात्मा का द्वैत, अलग अलग होना, न मानने वाला अद्वैतवादी, अल्प यानी कि कम वेतन भोगने वाला या पाने वाला अल्प वेतन भोगी, अध्ययन यानी कि पढ़ने का काम करने वाला अध्यता, अध्यापन यानी पढ़ाने का काम करने वाला अध्यापक। अब देखिए कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनमें बहुत बारीक अंतर हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे और अकादमिक परीक्षा ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे शब्द बहुत बार पूछे जाते हैं, तो वो तैयारी वो अभ्यास आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये काम आएगा। आगे से झुलसा हुआ अनलदग्ध, आग से झुलसा हुआ अनलदग्ध, अपने प्राण आप लेने वाला आत्मघाती, अर्थ या धन से संबंध रखने वाला आर्थिक, आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक, आशुलिपि यानी कि शॉर्ट हैंड जानने वाला लिपिक आशुलिपिक, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला इच्छाचारी, आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा ओहार, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र, अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला किंग कर्तव्य विमूढ़, और कुछ शब्द देखें, अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी, अन्न को पचाने वाली जठर पेट की अग्नि जठराग्नि, अपनी झक यानी कि धुन में मस्त रहने वाला झक्की, आंवला हर हेड़े व बहेड़े, इन तीनों फलों से मिलने वाला त्रिफला। वैसे तो त्रिफला मतलब तीन फल हैं, लेकिन यह जिस तरह से इन तीनों के लिए ही प्रयुक्त होता है, अन्य के लिए नहीं। अन्य तीन फल मिला देंगे तो उसको त्रिफला आप कह सकते हैं, तीन फल कह सकते हैं, त्रिफला नहीं बल्कि, हाँ तीन फलों के लिए ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, आंवला हर या हेड़े या बहेड़े। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला दुराचारी, अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न दंड संहिता, अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात, आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय बहुमत, अपना हित चाहने वाला स्वार्थी, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, अपने देश से प्रेम करने वाला देशभक्त, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, आँख की बीमारी दृष्टिदोष, अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली
पतिव्रता, अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत, अपने को पंडित मानने वाला पंडितम मन्य, आटा पीसने वाली स्त्री पीसनहारी, आँखों के समक्ष प्रत्यक्ष, आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला फिजूल खर्ची। हम आपको बहुत सारे शब्द बताएंगे ताकि आप आसानी से उन्हें सहजता से देख सके, समझ सके और परीक्षा में आपके लिए कहीं ना कहीं ये उपयोगी रहेंगे। जितना आप अध्ययन करेंगे हमने बताया उतना आपको लाभ मिलेगा। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला लेखाकार, अपने परिवार के साथ है जो सपरिवार, अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी, अविवाहित लड़की कुमारी या कुंवारी, अघन और पूस में पड़ने वाली ऋतु हेमंत, अधय यानी कि नीचे लिखा हुआ अधोलिखित, आचार्य की पत्नी आचार्यानी, अनुवाद करने वाला अनुवादक, अनुवाद किया हुआ अनुदित, अपने राष्ट्रों में आपस में होने वाली बात, अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली बात अंतर्राष्ट्रीय, आत्मा या अपने आप पर विश्वास आत्मविश्वास, आलस्य में जम्हाई लेते हुए देह टूटना अंगड़ाई, अंग पोंछने का वस्त्र अंगोछा, अति सूक्ष्म परिणाम परिमाण अणिमा, आज के दिन से पूर्व का काल, अन्यतन भूत, अनुभव प्राप्त अनुभवी, असंबद्ध विषय का अविवक्षित, आठ पद वाला अष्टपदी, अनुमान किया हुआ अनुमानित, अनिश्चित जीवी का आकाशप्रत यानी कि आकाश जिसको आप नाप नहीं सकते तो अनिश्चित जीवी का है, जिसका कोई नापना नहीं है पैमाना नहीं है, बहुत अधिक। आम का बगीचा अमराई, अनुसंधान की इच्छा अनुसंधित सा, आकाश से तारे का टूटना उपप्लव, अन्य देश का पुरुष उपही, अंगुलियों में होने वाला फोड़ा इकोता, अपना नाम स्वयं लिखना हस्ताक्षर, अपना मतलब साधने वाला स्वार्थी, अगस्त्य की पत्नी लोपा मुद्रा। अब ये ऐसे कुछ प्रचलित कुछ नाम हैं जो बहुत प्रचलित हैं लेकिन आपने कम सुने होंगे, तो ये निश्चित रूप से आपके लिए प्रभावी होंगे। अंधेरी रात तमिश्रा, अशुभ विचार व्यापाद, अंडों से निकली छोटी मछलियों का समूह पोताधान, अस्तित्वहीन वस्तु का विश्लेषण काक दंत परीक्षण, अधिक रोए वाला लोमश, अमावस्या की रात कुहू, ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला नास्तिक, इतिहास का ज्ञाता इतिहासज्ञ, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतिंद्रिय, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रजीत, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया विग्रह, इस लोक से संबंधित एलोक एहिक, इंद्रजाल करने वाला इंद्रजालिक, इंद्रियों से संबंधित इंद्रिक, इस लोक से संबंध रखने वाला एहलोकिक, ईश्वर या स्वर्ग का खजांची कुबेर, इंद्रपुरी की वेश्या अमरांगना, इंद्र का महल वैजंत। ऊ से प्रारंभ होने वाले कुछ हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की चर्चा और करते हैं। ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त, जिसमें उपरोक्त शब्द आपने कई बार सुना होगा जो कि गलत है, उपर्युक्त सही शब्द है। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस ऊर्ध्वाश, उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक,
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति, उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार, ऊपर लिखा गया ऊपरी लिखित, उतरती युवावस्था अधेर, उत्तर दिशा उदीची, उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम विवाह, उसी समय का तत्कालीन। अब ऐ से प्रारंभ होने वाले कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक ही समय में वर्तमान समसामयिक, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ स्थानांतरित, एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना अनुवाद, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो आमरण व्रत, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए खग्रास, ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला, ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा न हो तर्काभास, एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही, हिटलर ने जैसे कि चलाई थी, एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला दल बदलू, एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया निर्यात, ऐतिहासिक युग के पूर्व का प्रागैतिहासिक, एक महीने में होने वाला मासिक, एक ही जाति का सजातीय, एक ही समय में उत्पन्न होने वाला समकालीन, एक ही समय में वर्तमान समसामयिक, ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं हो ऊसर, एक सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक। अब क वर्ण से प्रारंभ होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो महत्वपूर्ण है, किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी, कीर्तिमान पुरुष यशस्वी, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, कम जानने वाला अल्पज्ञ, कम बोलने वाला मितभाषी, कम अक्ल वाला अल्पबुद्धि, कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध, कल्पना से परे हो कल्पनातीत, किसी की हंसी उड़ाना उपहास, कुछ दिनों तक बने रहने वाला टिकाऊ, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति, कठिनता से प्राप्त होने वाला दुर्लभ, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग स्पर्धा, क्रम के अनुसार यथाक्रम कार्य करने वाला कार्यकर्ता, करने योग्य करणीय कर्तव्य, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा, कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है अधिभार, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे अधीक्षक, किसी सभा संस्था का प्रधान अध्यक्ष, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन, किसी व्यक्ति का सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी, ये बहुत सारी ऐसी शब्दावली है जो अक्सर आपने राजनीति से जुड़े हुए पक्षों के बारे में या संविधान का अध्ययन करते हुए पढ़ी होगी, लेकिन इनका अर्थ भी जानने से आपको बहुत सारी मदद मिलेगी आपकी दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में या अकादमिक परीक्षाओं में या दूसरे कार्य करने में। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी, किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास, किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा, किसी प्राणी को न मारना अहिंसा, किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह, किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके आयतन, किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक, किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहां रहे हैं आदिवासी, किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत
इतिवृत्त, किसी नई चीज का बनाना, इजाद या आविष्कार, किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला उत्तराधिकारी, किसी एक पक्ष से संबंधित एक पक्षीय, कष्टों या कांटों से भरा हुआ, कंठ का कीर्ण, किसी के उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न, किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट कृतार्थ, कारागार यानी कि जेल से संबंध रखने वाला कारागारिक, कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता, किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति कार्य समिति, क्रम के अनुसार क्रमानुसार, किसी विचार निर्णय को कार्य रूप देना कार्यान्वयन, कुंती का पुत्र कौनते, अब वो कोई भी हो सकता है, अक्षरकरण के लिए बहुत प्रयुक्त हुआ है या अर्जुन के लिए बहुत प्रयुक्त हुआ है, किसी के घर की होने वाली तलाशी खाना तलाशी, किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया घेराबंदी, करुण स्वर में चिल्लाना चीतकार, किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी, किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश, किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का कार्य छिद्राण वेषण, कर्मचारियों आदि को छांटकर निकालने की क्रिया छंटनी, किसी भी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह जिज्ञासा, किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण जीवन चरित्र, कांटेदार झाड़ियों का समूह झाड़ झंखाड़, किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार, किराए पर चलने वाली मोटरगाड़ी टैक्सी, किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र त्यागपत्र, किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ, कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र, ये बहुत सारी ऐसी शब्दावली है जो अक्सर आपने सुनी होगी, लेकिन उनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाए, क्या उसका अर्थ है, ये आप धीरे धीरे इस एक नए रूप में भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे इन सब के माध्यम से। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा थान, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु थाती धरोहर या अमानत, कपड़ा सिलाई का व्यवसाय करने वाला दर्जी, किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग, कही हुई बात को बार बार कहना पिष्ट पेषण, किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप प्रत्यारोप, किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण पुनर्निर्माण, किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु बलि, किसी पद पर जो पहले रहा हो भूतपूर्व, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ, किसी मत को मानने वाला मतानुयायी, क्रम के अनुसार यथाक्रम कुबेर की नगरी अलकापुरी, किसी छोटे से प्रसन्न को उसका उपकार करना अनुग्रह, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा, किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत अभिनंदन, किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा अभिलाषा, किसी के शरीर की रक्षा करने वाला अंगरक्षक, किसी को भय से बचाने का वचन देना अभयदान, केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी, किसी कलाकार की कला पूर्ण रचना कलाकृति करने की इच्छा चिकीर्षा, कुबेर का बगीचा चौत्रथ, कुबेर का पुत्र नलकुबर, कुबेर का विमान पुष्पक, कच्चे मांस की गंध विस्र, कमल के समान गहरा लाल रंग शौण, काला पीला मिलाकर रंग कपिश, केंचवे की स्त्री शिली, कुए की जगत विनह, केवल वर्षा पर निर्भर बारानी, कलम की कमाई करने वाला मसीजीवी, कुए के मेंढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला कूप मंडुक,
काला पानी की सजा पाया कैदी, दामुल कैदी, किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष कलंक। तो विद्यार्थियों, ये थे अनेक शब्दों के लिए कुछ एक शब्द। अभी बहुत सारे शब्द हैं इनके लिए, लेकिन हमने बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का चयन किया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हें आप गंभीरता से देखिए, पढ़िए, जानिए, समझिए और अपने उपयोग में लीजिए जब आपको आवश्यकता लगे। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दूसरे सहपाठियों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके, जो हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन्हें बताएं। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका उत्तर देंगे। और चैनल को यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का मतलब यह है कि इस चैनल के साथ में आप जुड़ जाएंगे और जब भी कोई भी वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा ताकि आप आसानी से और समय पर उसको देख सकें। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।